आज सोमवार को लखीमपुर की घटना का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है, जिसे देखते हुए नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया ने एक वीडियो संदेश जारी कर व्यापारियों और प्रशासन को संदेश दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन प्रकाश मिहाड़िया, प्रेसिडेंट नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स नागपुर से। सर्वप्रथम मैं आप सबको नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि माँ अम्बे का आशीर्वाद हम सब पे ऐसी बना रहे। दोस्तों, ये वीडियो मैं 10 अक्टूबर 2021 को जारी कर रहा हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल 11 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र बंद का कॉल दिया है। ये उत्तर प्रदेश में हुई हुई लखीमपुर खैरी की घटना के विरोध में हम भी इस घटना का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और चाहते हैं कि दोषी लोगों को उचित कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। लेकिन अभी जहाँ तक बंद की बात है, बंद करना बहुत कठिन है। महाराष्ट्र सरकार से भी कुछ नहीं छुपा है, क्योंकि अभी बाज़ार खुल नियमित रूप से खुलकर कुछ ही समय हुआ है और अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है। अगर हम हमारी दुकान एक दिन भी बंद करते हैं तो हमारा कस्टमर सीधा ऑनलाइन पे जाता है, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार कभी बंद नहीं होता है। मैं चाहता हूँ जो व्यक्ति इसके समर्थन में अपनी दुकानें बंद करना चाहता है वो खुशी से अपनी दुकानें बंद कर सकता है, लेकिन जो अपनी दुकानें बंद नहीं करना चाहता है मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि उनको वो प्रोटेक्शन दे और किसी भी प्रकार से उनकी दुकानें कोई भी व्यक्ति आकर जबरन तरीके से बंद ना कराए, इसकी ध्यान रखे। आपसे निवेदन है मेरा पुलिस प्रशासन से। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो सरकार रही है, हम व्यापारियों की भी माँ बाप है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हमको नियमित रूप से व्यापार करने की कल भी अनुमति रहेगी। धन्यवाद।